राधे राधे मेरे YouTube फैमिली, बहुत दिनों के बाद आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ या फिर आपकी हेल्प लेना चाहती हूँ, ठीक है ना। अच्छा, मुझे ना एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट आया था USA से, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं तो उन्होंने ही वो कमेंट किया था। और कमेंट तो मैं गलत तो बोलूँगी नहीं, मतलब बड़ा ही प्यारा सा कमेंट था वो। तो उन्होंने मुझे कुछ सजेशन दिया है मेरे चैनल के लिए या मेरे फ़ायदे के लिए ही बोला है, लेकिन फ़ायदा उठा नहीं पाऊंगी मैं, मुझे इतना पता है, पक्का विश्वास भी है, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको उनका कमेंट बताती हूँ, ठीक है ना। तो वो बोल रहे थे कि मैं आपकी वीडियो काफ़ी दिन से देख रहा हूँ, आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है, आपका चैनल बहुत ही अच्छा भी है, ठीक है ना, आप खाना वगैरह भी अच्छा बनाते हो, लेकिन आपको अपना 20 किलो वेट घटाना होगा क्योंकि आप काफ़ी मोटे हो, ठीक है ना। चलिए ठीक है, मैं मोटी हूँ। दूसरा उन्होंने मुझे मेरे नोजपिन के लिए भी बोला है, तो ये तो सभी बोलते रहते हैं मुझे नोजपिन के लिए, और मैं ध्यान देती नहीं हूँ, ठीक है ना, ये तो चलता रहता है। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, सब कुछ अपने बजट के हिसाब से करना चाहिए। जिस दिन मेरा बजट होगा मैं अपना नोजपिन बदल लूँगी। ये जो मेरा नोजपिन है ना, ये सोने का है, और अगर मैं इसकी बात करूँ ना, अगर मैं लेने जाऊँगी तो 2,500 रुपये का पड़ेगा, और 2,500 रुपये खर्च करने का अभी मेरे पास बजट नहीं है या फिर मेरा टाइम नहीं है। दूसरा उन्होंने ये बोला था कि अगर आप कुकिंग की वीडियो बनाते हो और आप अपने आप को दिखाते हो तो आपको कम से कम अपना 20 किलो वेट कम करना पड़ेगा। 20 किलो वेट, अरे मैं 2 किलो वेट भी कम नहीं कर सकती हूँ, सही बात तो यही है। पता है उनको ऐसा लगता है कि मतलब मैं मोटी हूँ, आपको भी लगता होगा, बहुत सभी मतलब बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको लगता होगा कि मैं मोटी हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ, एक ना नेचुरल हेल्थ होती है, और मेरी जो हेल्थ है ना बचपन से ही ऐसी है, मतलब मैं बचपन से ही, आप मोटी बोल सकते हो, लेकिन मैं मोटी नहीं थी। हालांकि मेरी बड़ी बहन है और भाई भी है, वो मुझे मोटी कह के ही बोलते थे, चिढ़ती नहीं थी मैं, मतलब अच्छी खासी ना मैं हेल्थी थी। और पता है क्या, जब शादी हो जाती है ना, और शादी के बाद जैसे बच्चे होते हैं, डिलीवरी वगैरह होती है, तो थोड़ा सा ना फ़र्क हमारी बॉडी पे जरूर पड़ जाता है। तो मेरी भी बॉडी पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, ज़्यादा नहीं पड़ा है, थोड़ा सा ही पड़ा है। क्या होता है ना, जैसे हमारा पेट का हिस्सा होता है ये वाला, और पेट से नीचे वाला जो हिस्सा होता है ये थोड़ा भारी हो जाता है, इसको कवर करना बहुत ही मुश्किल होता है। किसी किसी की हेल्थ ऐसी होती है कि शादी से पहले भी ऐसी रहती है, शादी के बाद भी ऐसी रहती है। किसी किसी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कोई जिम में जाता है, कोई योगा करता है, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मुझे काम से इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती है कि मैं 5 मिनट अपने लिए निकाल लूँ, और ये मैं कम कर भी नहीं सकती हूँ, ठीक है ना। ये ऑटोमेटिक ही भारी हो जाता है, और भारी भी नहीं है, सही पूछिए तो ये भारी भी नहीं है। मैं अपने आप को मोटा फील नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे जो मेरी हेल्थ है ना, इससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आप सभी जानते हो मैं अपने घर के सारे काम करती हूँ, जीना भी खूब अच्छी तरह से चढ़ती हूँ उतरती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बॉडी में कहीं कोई पेन नहीं है, उठने में बैठने में कोई परेशानी नहीं होती है, सभी तरीके का खाना खा लेती हूँ, अच्छे से हजम भी हो जाता है, कोई दवाई वगैरह नहीं खाती हूँ, तो मुझे मेरी हेल्थ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और वो बोल रहे थे कि अगर आपको अपने कुकिंग चैनल में अपने आप को दिखाना है तो आपको 20 किलो वजन कम करना होगा, आपको ग्लैमर दिखाना होगा, मतलब मुझे एक अच्छा दिखना होगा। ठीक है उनकी बात कि फिटनेस भी ज़रूरी होती है, लेकिन आप बताइए अगर मैं अपना ग्लैमर आपको दिखाऊंगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा, आप ये बताइए। और मेरा मेन मकसद है केवल अपना काम करना, अपने बच्चों का, बच्चों की देखभाल करना, अपना खाना बनाना, ठीक है ना। आप सभी पसंद भी करते हो मुझे ऐसा लगता है, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं उनके कहने से या फिर अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट दिखाने के लिए अपना 20 किलो वेट कम करूँ, उसमें मैं टाइम लगाऊँ। और पता है क्या होता है मेरे साथ, अगर मैं अपना वेट कम करती हूँ ना, चाहती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मैं भी औरों की तरफ बहुत ज़्यादा पतली सी दिखाई दूँ, तो फिर अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनूँ, सभी का मन करता है। लेकिन अगर मैं चाहूँ ना वेट कम करना, तो मुझे 2 से 4 दिन लगते हैं, मेरा वेट भी कम हो जाता है। 1 से 2 किलो वजन मैं घटा सकती हूँ अपना 4-5 दिन में, लेकिन फिर मैं उसका क्या करूँ जब मुझे वीकनेस हो जाती है, मुझे चक्कर आने लगते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, कोई भारी खान नियम खाते हैं, जो आपके पास आता है वही खाना हम खाते हैं। उसमें से भी आपके पास अगर एक बात बोलती हूँ मैं, जैसे मैंने पकोड़े कोई बोंडा वगैरह बनाए हैं, क्वांटिटी में 6-7-8 ही बनेंगे, खाने वाले हम 5-6 जने हो जाते हैं, आप समझ सकते हैं कि उसमें से कितने कितने हिस्से में आते होंगे। ऐसा नहीं है कि 5-6 बोंडे अगर मैंने बने, मैंने अकेले नहीं बैठ के खा लिए, तो बहुत ही सिंपल सा हमारा खान पीन भी है। और मैं चाहूँ सिंपल रोटी खाते हैं, वेट कम हो सकता है मेरा, अगर मैं चाहूँ कि मैं 2 रोटी कम खा लूँ, लेकिन नहीं, मुझसे नहीं खाई जाती है। जब तक मेरा पेट नहीं भरता है ना, तो मेरा रोटी को
हटाने का मन ही नहीं करता है, मतलब पेट भर के मैं रोटी खाती हूँ उससे कम में मेरी बात नहीं बनेगी, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं अपना वजन घटा पाऊंगी। और मुझे नहीं लगता है कि आप चाहोगे कि मैं अपनी जो वीडियो या रेसिपी शूट करती हूँ उसमें आपको मैं ना दिखाई दूँ, आप चाहते हो ऐसा। उनका तो बोलना यही था, अगर आप अपना वेट कम नहीं कर पाते हो तो आप अपने आप को दिखाने से बचें, ठीक है ना। ना तो मैं किसी को दिखाने के लिए आ रही हूँ कैमरे पे, देखिए, ठीक है ना, और ना ही मैं अपना कुछ अलग से दिखाने के लिए आ रही हूँ, मैं सुंदर हूँ या मैं अपनी फिटनेस दिखाना चाहती हूँ। मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, जैसी भी मेरी वीडियोज़ वगैरह शूट होती है, मैं आपके सामने आ जाती हूँ। आप सभी मुझे पसंद भी करते हो उसी वजह से मैं आ जाती हूँ, नहीं तो मेरा जो दूसरा चैनल है ना कुकिंग का, तो वो मेरा प्रोफेशनल चैनल था, उसमें मैं कभी सामने नहीं आई थी, और उस चैनल का हाल आपको पता भी है। आप मुझे इस तरीके से काम करते देखना पसंद करते हो, इसी वजह से मैं आ जाती हूँ। देखिए, मैं आपको गलत नहीं ठहरा रही हूँ, मैं आपको गलत नहीं बोल रही हूँ कि आपको ऐसा, मतलब मैं आपकी ये बात मानूंगी नहीं, मानना चाहती हूँ लेकिन मैं मान नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ना ही मेरे पास इतनी सुविधा है कि मैं अपना 20 किलो 15 किलो वजन कम कर सकूँ, नहीं कर सकती हूँ। अरे मैं 15 किलो वजन अगर कम भी करने लगी ना, तो आप समझ सकते हैं मैं कैसी लगूंगी, ठीक है ना। मेरी नेचुरल हेल्थ है, बचपन से हेल्थ मेरी ऐसी है, ठीक है ना, मतलब काफ़ी ना मैं हेल्दी हूँ। हम घर में चार बहन भाई हैं, बड़ी बहन है, उनसे छोटी मैं हूँ। कोई भी देखने वाला ये नहीं बोलता था कि मैं छोटी हूँ, सब मुझे यही बोलते थे कि ये बड़ी है, मतलब मेरी बड़ी बहन से मुझको बड़ा ही बताया जाता था। मेरी हाइट भी पहले से ही सही थी और मेरी हेल्थ भी सही थी। मेरी छोटी बहन आपने देखी है, जबकि वो अब हेल्दी हो रही है, वो कितनी पतली है कि नहीं, तो उसकी हेल्थ पहले से ही ऐसी है। शादी के बाद वो हल्की सी हेल्दी हो चुकी है, लेकिन फिर भी पतली है। मेरी हेल्थ पहले से ही काफ़ी हेल्दी है, ठीक है ना, मोटी नहीं है, हेल्दी है, और मुझे इस हेल्थ से अपनी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, तो मैं इस वजह से आपको इस तरीके ही दिखाई देती हूँ। थोड़ी सी बात बस ये पेट वाली है, ये मैं चाह के भी कम नहीं कर पाती हूँ, नहीं होता है मुझसे, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और वो मेरे बस की नहीं है। अब आप कुछ भी बोल सकते हो, आज मुझे आपसे केवल यही एक छोटी सी बात शेयर करनी थी। आप मुझे बताइए, क्या मुझे 20 किलो वजन कम करना चाहिए? अगर मेरा 20 किलो वजन कम हो गया ना, तो मैं बिल्कुल एक कंकाल की तरह दिखाई दूंगी आपको। आप ही बोलोगे दीदी ये क्या हाल बना लिया है, मैं तो उठ भी नहीं पाऊंगी, सही पूछिए तो मतलब बहुत कमजोरी महसूस देगी। 1-2 किलो वजन ही कम हो जाता है ना मेरा, तो मुझे कमजोरी सी महसूस देने लगती है बहुत ज़्यादा। इस ना मुंह भी ऐसा हो जाता है छोटा सा बिल्कुल ही, और चक्कर से आते रहते हैं, कुछ काम करने का मन ही नहीं करता है। तो जब मेरी हेल्थ बिल्कुल हेल्दी है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आप बताइए फिर मैं क्यों पढ़ूँ अपना वजन कम करने के चक्कर में, अपना ग्लैमर दिखाने के चक्कर में? मुझे काम करना है, रेसिपी बनानी है, आप तक पहुँचानी है, अपने बच्चों का की देखभाल करनी है, अपने परिवार को चलाना है। भाई आपको पसंद हो आप देख लीजिए, आपको नहीं पसंद हो आप मत देखिए, ठीक है ना। मैं जबरदस्ती तो नहीं करती हूँ ना, मैं जैसी हूँ, जैसा मुझे भगवान ने बनाया हो, मतलब मैं जैसी भी हूँ, जैसा भी मुझे भगवान ने बनाया है, मैं बस अपने बच्चों के लिए काम करती हूँ, किसी और के लिए नहीं करती हूँ।